Before we begin, we have before we beta, begin with any other particular topic for the discussion, beta, I have few points to discuss beta, from your previous exam, that is your pre-board exam you have just completed. You have gone through that exam. उसमें बेटे आपके दो तीन क्वेश्चंस बेटे एक बार दोबारा फिर से डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटे आपके माइंड में है तो आप पहले वो बता दीजिए, मैं पहले वो करवा देता हूँ. अदरवाइज आई हैव फ्यू क्वेश्चंस विद मी बेटा. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड बेटे? आपका सर सेट ए का क्वेश्चन नंबर 47. आप क्वेश्चन बेटे बोल दीजिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 47. हाँ जी बोल दीजिएगा. Sir, in the case of glass slab for the refraction of light, which of the following is incorrect? Okay. First option thi, angle I is equal to angle E. Second option is equal to angle E. Yes, sir. Second option was angle R is less than angle I. Angle I is less than angle I. I. ठीक है जी. थर्ड ऑप्शन थी बोथ ए एंड बी. हाँ जी बेटे. देन डी ऑप्शन थी एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई. एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई. सुनिए बेटे ध्यान से. यस सर. बेटे जब भी आप ग्लास स्लैब के बारे में डिस्कशन करते हो तो बेटे ये आपके पास आपका ग्लास स्लैब है. इस ग्लास स्लैब के आपने फेस पे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है फॉल करवा दिया. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये डियर चिल्ड्रन आपका नॉर्मल बन गया. ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया एंड आफ्टर दैट इट इज लीविंग दिस पर्टिकुलर सरफेस बेटा. और डियर चिल्ड्रन आपका ये एंगल आई है, ये एंगल आपका आर है, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज बेटे ई. इसको अगर आप बेटे इन्वेस्टिगेट करोगे बिकॉज ये दोनों फेसेस पैरेलल हैं, एंगल आई आपका हमेशा एंगल ई के बराबर होता है, ये आपका जस्टिफाइड है. सेकेंडली एंगल आर बिकॉज बेटे आपका रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा और एंगल आर एंगल आई से छोटा होगा, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है. तीसरे में उन्होंने कहा कि ये दोनों ही ठीक है, दिस इज इक्वली करेक्ट बेटा. और चौथे में आपको एंगल आर एंगल आई से बढ़ा दिया गया है, ये गलत है बिकॉज एंगल आर एंगल आई से तब बड़ा होगा जब आपका ये वाला मीडियम पहले वाले मीडियम के कंपैरेटिवली बेटा रेयरर होगा. सो अगर आप यहाँ पे ग्लास यहाँ पे एयर कर लोगे देन ये करेक्ट होगा, ये तो भी करेक्ट ही रहेगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सो यू हैव टू थिंक दैट बेटा. राइट बेटे? बेटे समझ आ गया? यस सर. सर अगर हम कहें कि अगर हम लास्ट वाला कहें कि वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो थोड़ा हमें पर्टिकुलरली बताया. नहीं नहीं, अगर तो बेटे आपका ये ग्लास है ये एयर है तो इसमें आपका ये इनकरेक्ट है क्योंकि एंगल आर आई एंगल आई से बड़ा नहीं हो सकता. अगर बच्चे ये है कि आप मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल दो, मैं ये कह रहा था यहाँ आप ग्लास ले लें यहाँ पे एयर ले लें तो ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. फिर एंगल आर आपका उस केस में बड़ा हो जाएगा लेकिन एंगल आई एंगल ई के बराबर ही रहेगा और एक फिर आपका ये भी ठीक नहीं रहेगा. राइट बेटे? ओके सर. और बेटे बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका बच्चों? और किसी भी स्टूडेंट का बेटे बिफोर आई बिगिन विद द क्वेश्चंस आपका कोई भी पॉइंट है तो बताइए. दोनों सेट्स में से बेटा आपके दो सेट्स हैं ए एंड बी, दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन है डिस्कस करने वाला शेयर करने वाला तो आप बता दीजिए. ओके एक मेरे पास बेटे नोट करिएगा. आपको कहा गया है कि टू लेंसेज वन कनकेव एंड अदर कन्वेक्स बेटा, ये दो लेंसेज हैं, इनकी बेटे दोनों की आपको पावर दी हुई है, इसकी वन डायोप्टर है इसकी पावर भी वन डायोप्टर है, आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जो है वो बतानी है. फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको बेटे जो है
ये बताना है। अब डियर चिल्ड्रन, ये आपका क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं याद है कौन सा है। जब आप कंकेव लेंस की बात करते हो तो पावर आपका बच्चों नेगेटिव आ जाएगा वहां पे, कन्वेक्स लेंस के केस में पावर आपका बेटी पॉजिटिव होगा, और आपको इसको पी वन और पी टू जो है ऐसे आप कह सकते हो, और आपका जो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन है इट इज पी वन प्लस पी टू हो जाएगा जी बेटे, और आपके कॉम्बिनेशन का पावर वन डायोप्टर नेगेटिव का और ये आपका प्लस का हो गया, दिस इज जीरो। अब बड़े और ध्यान से बेटे समझने वाली बात है कि जब जब आपको फोकल लेंथ जो है वो मीटर्स में दी हुई होती है तो आपका जो पावर है बेटा वन अपॉन एफ डायोप्टर के बराबर होता है, अगर फोकल लेंथ बेटे मीटर्स में हो तो। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो पावर आपका हंड्रेड अपॉन एफ डायोप्टर के बराबर बेटे आ जाया करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें, आपको पावर बेटे जो है जीरो दे रखी है कॉम्बिनेशन की आपने निकाली है रादर, तो आप चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए, आपका पावर जो है मैं इसमें अगर कर दूं 100 और ये मैंने पावर को इस तरफ शिफ्ट किया, फोकल लेंथ को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इतने सेंटीमीटर्स का आपका फोकल लेंथ जो है ये आ जाएगा। अब डियर चिल्ड्रन आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने के लिए 100 अपॉन जीरो कर देंगे एंड इट विल बिकम बेटा इनफाइनाइट। सो इन दिस वे बेटा आपका जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट बन जाएगी। इनफाइनाइट फोकल लेंथ का मतलब होता है कि आपका लेंस जो है वो उसकी अबिलिटी नहीं है रेज को कन्वर्ट या डाइवर्ज करने की। सो इन दिस वे आप अपने बेटे लेंस के साथ कॉम्बिनेशन की जो पावर है और फोकल लेंथ है बेटा इनको वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट था डिस्कस करने वाला। और बेटे स्टिल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसके दोनों सेट्स में बेटे उसका जो है सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेट मी कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो। आपको एक ग्लास प्रिज्म दे दिया गया है बेटा और उन्होंने कहा है लेट इट बी द ग्लास प्रिज्म दैट इज गिवन टू यू बेटा, और आपको कहा गया है कि ग्लास प्रिज्म पर आपने ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है ये फॉल करवा दिया। जब आप फॉल करवा देते हो तो ग्लास प्रिज्म में आपका जो लाइट है इसके इस तरीके से बेटे डिस्पर्शन के बाद इसका पैटर्न ऑफ द कलर जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, और दोनों सेट्स में आप देखेंगे आपको रिपीटेडली पूछा गया है बेटा ऐसे है ये आपका वी आई बी जी वाई ओ एंड आर के बराबर हुआ करता है बेटे, और इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। जब भी आप बेटे कलर्स का काउंटिंग करोगे तो आपका कलर्स का इस तरीके का पैटर्न आपको जो है वायलेट से लेकर रेड तक मिल जाएगा। आपको बेटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्ड कलर कौन सा है फिफ्थ कलर कौन सा है फ्रॉम द बॉटम और फ्रॉम द टॉप, तो अकॉर्डिंगली अगर आपको टॉप से पूछा गया है आप इसको देख लेंगे, बॉटम से आप इधर को देख लेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये बात करने वाला नहीं था, यहाँ पे वायलेट कलर आपका बेटे जो है इसकी वेवलेंथ 420 नैनोमीटर के बराबर हुआ करती है, और आपका जो रेड कलर है बेटा इसकी जो वेवलेंथ है 780 नैनोमीटर के बराबर इसकी वेवलेंथ हमने ऑलरेडी नोटिस कर रखी है, इसको हमने लिख रखा है। अब बेटे वायलेट कलर की वेवलेंथ लीस्ट है सबसे कम है, और वायलेट कलर आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 24 था उसमें देखा होगा आपने, वायलेट कलर का जो डिविएशन का एंगल है डेल्टा फॉर वायलेट कलर जो है इट इज मोर एंड डेल्टा फॉर द रेड कलर इट इज बिटी लेस। इन अदर वर्ड्स बेटा जब भी आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट को नोटिस करते हो आपका जो रेड कलर है बेटा इट डिविएट्स
डिविएट्स लेस एयर। और अगर आप देखो वायलेट कलर को बेटा, वायलेट कलर जो है इट डिविएट्स मोर, इसकी डिविएशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेड कलर बेटा। सो इसका रीजन आप दे सकते हो कि आपका जो वायलेट कलर का लाइट है, रेड कलर का लाइट का कंपोनेंट है, ये बेटा अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से अलग अलग अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन सफर करते हैं। दैट्स वाई इनके बीच में जो आपका एंगल ऑफ डिविएशन है ये अलग आ जाता है। आपका वायलेट कलर ज्यादा डिविएट हो जाता है, रेड कलर कम। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप कॉची इक्वेशन यूज कर सकते हो, ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, सी बाई लेमडा फोर एंड सो ऑन। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बेटा सेकेंड पावर एंड हायर पावर्स ऑफ द वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है और इनवर्सली डिपेंडेंट है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो रिफ्रैक्शन थोड़ी होगी, कम होगी, छोटी होगी और डिविएशन भी कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, डिविएशन भी अकॉर्डिंगली आपने नोटिस किया है ज्यादा होगी बेटा। सो इन चीजों का ध्यान रखना। एक छोटा सा और पॉइंट है डिस्कस करने वाला बेटा, आपको बिगनिंग में ही पहले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था 17th आई थिंक है, कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो सन है वो बेटे रेडिश कलर का जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम, ऐसा क्यों है? उसमें आपको तीन चार ऑप्शंस में बताया भी किया था, उनमें से एक था कि जो ब्लू कलर है वो बेटा इन कंपैरिजन टू द रेड कलर ज्यादा स्कैटर करता है, और रेड कलर क्योंकि कम स्कैटर करता है हम उसको प्रॉपरली देख पाते हैं। तो इसके लिए आप बेटे रेले लॉ, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग ये बेटा यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ बेटा। आपने जैसे आपको बेटे उन्होंने सनसेट और सनराइज के टाइम की स्पेशली बात की है, जरा समझने वाला पुत्र कंसेप्ट होगा आपका। अर्थ जो है मान लीजिए इस तरीके से हमने अपना अर्थ जो है, मैं डायग्राम थोड़ा अपर साइड पे बना देता हूँ सबको क्लियर हो जाएगा। इमेजिन कर लीजिए बेटे ये हमारा अर्थ है, और अर्थ का ये आप देख रहे हो बेटे सरफेस है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं इनके लिए सनराइज तब होगा जब सन जो है इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करके, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। जब सन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उस केस में बेटे देखिए आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखेंगे, अगर सन एट दिस टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है और जब सन बेटे ऐसे करके नून के टाइम पर यहाँ पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली कम है बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर पार्ट ऑफ द अर्थ। आई मीन टू से दैट मॉर्निंग टाइम में एंड बेटे इवनिंग टाइम में आपकी कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से सनलाइट को इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ जाता है, नून के टाइम पर तो डायरेक्टली यहां से विजिबल होगा। सो जब आपकी लाइट ज्यादा डिस्टेंस बेटे ट्रेवल करेगी तो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो ये वाइट लाइट सेवन कंपोनेंट्स की बनी हुई है। उन सेवन कंपोनेंट्स में से आपका अगर देखें बी आई बी जी वाई ओ एंड आर, आपका बेटे जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ कम है इन कंपैरिजन टू द रेड कलर। इसका मतलब है कि ब्लू कलर कम वेवलेंथ होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्कैटर कर जाएगा, फैल जाएगा ज्यादा। और अगर आप बात करोगे रेड कलर की बच्चों, इसकी वेवलेंथ 780 नैनोमीटर सबसे ज्यादा है विजिबल स्पेक्ट्रम में, और उस केस में क्या होगा आपकी इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट लीस्ट होगी और आपका जो रेड कलर है वो उतनी रीजन में ही कंफाइंड रहेगा और हमें रेड कलर दूर से ही दिख जाएगा, और आपका जो सन है दैट विल अपीयर रेडिश एट द टाइम
when the sunset is there or sun rise is there बेटा। तो ये बात का आपने विद द हेल्प ऑफ रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग एनालिसिस करके इसका जवाब देना है अकॉर्डिंगली, राइट बेटे। क्वेश्चन नंबर आपका बेटे 32 था आई थिंक, मेरे पास पेपर नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता रहा था। एक सेट में था बेटा मिरर का क्वेश्चन, एक सेट में था डियर चिल्ड्रन लेंस का क्वेश्चन। उन्होंने कहा हुआ है कि आपने लेंस को पानी में डिप कर दिया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और बेटी इसके पैरेलल दूसरे सेट में क्वेश्चन था कि आपने कनकेव मिरर को पानी में डिप किया है, उसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डियर चिल्ड्रन ये आपके पास बेटा लेंस है दिस वन, आप इस लेंस के फॉर्मूला को जब लिखते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूला है आपका। और बेटे आपका लेंस अगर एस सच आप यूज कर रहे हो और आपका ये रे एयर से लेंस ने एंटर किया, लेंस आपका डेंसर मीडियम है, ये बेंड कर गया, इसकी फोकल लेंथ यहां से लेकर यहां तक आपको मिल गई। देन इसके बाद बेटे क्या है कि जब आप देखोगे डियर चिल्ड्रन इस पर्टिकुलर सेटअप को, आपने इस एयर की जगह जगह पर पानी यूज किया है, पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू एयर बेटा ज्यादा है। तो इसका मतलब है अब आपका अगर पानी में आप डिप कर दोगे, ये भी आपका जा रहा था, ये मीडियम एयर के कंपैरेटिवली डेंसर होने की वजह से ये रेज को इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आपकी रेज यहाँ पे अपने प्रिंसिपल एक्सिस के जाकर मीट करेंगी, फोकल लेंथ आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटे जब भी आपको लेंस पानी में डिप कर दोगे आप, तो उसकी फोकल लेंथ एफ जो है वो बेटा इंक्रीज कर जाएगी। जब आप अपने मिरर को बेटा डिप करोगे पानी में, फोकल लेंथ में बेटा कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। सो इन दिस वे आप एक और भी बेटे हेल्प ले सकते हो, आपके नो डाउट सिलेबस में तो नहीं है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला शायद आपने सुना होगा। दिस इज बेटे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इसमें आपका 1/फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस जो है म्यू माइनस वन 1/r1 - 1/r2 के बराबर होता है। आपके लेंस का फोकल लेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन बेटे ऐसा कोई मिरर फार्मूला नहीं है। सो मिरर आपका उसकी फोकल लेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। सो इन दिस वे बेटा जब भी आप लेंस की बात करोगे तो लेंस की फोकल लेंथ में मीडियम की चेंज होने पर चेंज नोटिस किया जाएगा, लेकिन जब आप मिरर की बात करोगे मिरर की फोकल लेंथ में बेटा कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। सो इस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा बेटा, जब भी आप पानी में लेंस को डिप कर देते हो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और करीब करीब 4 टाइम्स हो जाता है, हमने कभी प्रूव भी किया था ये, और मिरर के केस में नो चेंज बेटा। सो इस चीज को अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा बेटे, राइट बेटे। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन आई स्टिल हैव वन मोर पॉइंट विद मी, आपको दिया गया है कि कौन सा कितनी फोकल लेंथ का लेंस होगा जिसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर आप चेक कर लेना बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हैविंग पावर 1 डायोप्टर इज, पावर बेटे जो है ये आपका 1/f डायोप्टर के बराबर हुआ करता है। अगर तो हमारा बेटे जो फोकल लेंथ है सेंटीमीटर्स में है तो आपका पावर 100/f आ जाएगा, और अगर आपका फोकल लेंथ बेटे जो है मीटर्स में है, पावर आपका 1/f डायोप्टर के बराबर आपको मिल जाएगा। So, यहाँ पे आपको बेटे पावर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, पावर की जगह पर मैं 1 डायोप्टर लिख देता हूँ, और बिकॉज मुझे तो फोकल लेंथ बेटे चाहिए है सेंटीमीटर्स में, तो मैं यहाँ पर 100/f
डायोप्टर लिख दूंगा, यहाँ डायोप्टर की जरूरत नहीं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ. एफ विल बी 100 अपॉन 1, इट विल बी 100 सेंटीमीटर बेटा. सो डियर चिल्ड्रन ऑलवेज नो दैट जब भी आपका लेंस जिसकी पावर 1 डायोप्टर है आप उसकी फोकल लेंथ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी 100 सेंटीमीटर. आप अदरवाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर आपका 100 अपॉन एफ डायोप्टर्स के बराबर होता है. अगर आपने फोकल लेंथ 100 आपने चूज किया है देन पावर विल बी 100 अपॉन 100 डायोप्टर्स, पावर विल बी 1 डायोप्टर. आप अपने रिजल्ट को क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा. सो इन दिस वे बेटे हमने अपना जो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको देख लेना है. राइट बेटे, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड बेटा यू वॉन्ट टू शेयर और डिस्कस? कोई और क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा हो बेटा? ओके बेटे, गुड. सो आइए आगे चलते हैं देन. इसके बाद बेटे एक और सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको कहा गया था बेटे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज गिवन टू बी 4/3 टू यू. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने को कहा गया था. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आप यूज कर लोगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस बेटा, और इट विल बी 1/4/3 एंड इट विल बी 3/4. सो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये आपका 3/4 आ जाएगा. इसके साथ ही बिल्कुल कंजेक्टिव क्वेश्चन था कि आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एक सेट में था, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दूसरे सेट में था, निकाल के बताना है. जब भी बेटे आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं ये सी अपॉन वी के बराबर हुआ करता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर तो आप बात कर रहे हो बेटा इस केस में पर्टिकुलरली बेटे ग्लास की, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. तो ग्लास में से जब आप रे ऑफ लाइट का स्पीड ढूंढना चाहते हैं तो यू विल बी जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग योर वैल्यूज बेटा, एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. आपका जो v है दैट विल बी सी अपॉन म्यू, v विल बी c, दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3×10^8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 डियर चिल्ड्रन. सो v इट विल बी 3/1.5×10^8 मीटर्स पर सेकंड, एंड वेलोसिटी विल बी 2×10^8 मीटर्स पर सेकंड. दिस इज ऑल यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. And if you intend to calculate the same in water, you just replace this refractive index of glass with that of water. You will get the speed of light in the medium water beta. So in this way, bete, आप अपने ये सारे के सारे जो questions हैं, इन questions को बेटे tackle कर सकते हो, इनका जवाब दे सकते हो बेटा. So once again, बेटा आप इन सारे के सारे papers के जो questions हैं, इनको एक बार दोबारा से देखिएगा बेटा. बाकी आपका कोई और डाउट होगा तो फिर बेटे वो कल देख लेंगे. सो डियर चिल्ड्रन विद दिस थैंक यू ऑल बेटा.